नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज एफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है, जिससे अगर कंप्लीट हो गया चीज और वो सारी चीज़ें वैसे ही रहती हैं तो ये मान लीजिए भारत और श्रीलंका के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा गहरे हो जाएंगे और भारत और श्रीलंका के बीच में इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोगों के जीवन काफ़ी आसान हो जाएगी। ये दोस्तों ऐसा कुछ होने वाला है, आइए समझते हैं कि ये आखिर न्यूज है क्या। दोस्तों अब आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका इन दोनों के बीच में एक पुल बनना है, यानी कि एक ब्रिज बनना है, राम सेतु जो पहले से बना हुआ है उसी के पास, बल्कि ये समझ लीजिए कि उसी के ऊपर बनना है। अब दोस्तों उसके ऊपर बनना है और ये अब स्टेज क्या है, दिक्कत क्या है। तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में पहली बार 1955 में सोचा गया था कि एक ऐसे ब्रिज को बना लेते हैं जिससे दोनों के देशों के बीच में व्यापार और आसान हो जाएगा, क्योंकि वो लैंड रूट के थ्रू कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि 1955 में जो शुरुआत जो चीज़ सोची गई थी उसको श्रीलंका ने मना कर दिया था, और इसमें कुछ पर्यावरणविद भी हैं जो सामने आ गए थे और वो बताने लगे कि ये ठीक नहीं है। इन चीज़ों को लेकर के वो अपनी नाराज़गी जता रहे थे। दोस्तों ये तो रहा किसी भी प्रोजेक्ट को रोकने का काम। अब आपको बता दें कि इसमें फिर से एक उम्मीद जागी। अभी कुछ समय पहले फिर इस पे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट की एक एनालिसिस करने के लिए बोला गया, एक रिपोर्ट बनाने के लिए बोला गया श्रीलंका और भारत के द्वारा। फिर अभी जो श्रीलंका है उसके जो अभी वो हैं राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, ये अभी मन्नार डिस्ट्रिक्ट गए थे श्रीलंका के, और वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने एक बात बोली कि ये जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है ये अपने फाइनल स्टेज पे है, बेसिक स्टेज वगैरह क्रॉस हो चुकी है, फाइनल स्टेज पे आ गई है। अब दोस्तों ये मान के चलना चाहिए कि लगभग लगभग सब कुछ पॉजिटिव है और अब ये प्रोजेक्ट भारत और श्रीलंका के बीच में रेडी कर लिया जाएगा। दोस्तों अब आपको एक चीज़ ये बता दें कि ये प्रोजेक्ट जब बन जाएगा तो ये करीब इसमें जो पुल बनेगा वो करीब 48 किलोमीटर यानी कि 48 किलोमीटर के अराउंड बनेगा, और जिसकी अभी लागत बताई जा रही है करीब 24,000 करोड़ रुपए की होगी, जिसका मेजर पोर्शन भारत बियर करेगा और कुछ कम पोर्शन श्रीलंका बियर करेगा। और इसका जो फाइनेंस है इसको जो लोन देगा वो न्यू डेवलपमेंट बैंक देगा। अब दोस्तों होगा क्या, जब दोनों देश कनेक्ट हो जाएंगे तो इससे एक दूसरे देश में लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि बिज़नेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। श्रीलंका की जो इकॉनमी है उसमें टूरिज़्म बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, वो बढ़ जाएगा। इसके साथ ही क्या है कि दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में, मतलब भारत में कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई पोर्ट नहीं जिसमें बहुत ही हैवी हमें शिप को डॉक कर दें और उसको खाली करा लें। अभी क्या है कि जो भारत में बहुत ही हैवी शिप आनी होती है तो उसको पहले हम कोलंबो में श्रीलंका में वहाँ पे खड़ी करके उसको खाली करवाते हैं और फिर वहाँ से अपने सामान को इंडिया लेकर आते हैं छोटी छोटी शिप में, जिससे क्या है कि हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम लैंड रूट के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे तो हम श्रीलंका में एक बार बड़ी शिप को खाली करेंगे और ट्रक के थ्रू और दूसरे माध्यम से हम लैंड रूट से लेकर आएंगे, जिससे कि हमारी कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं आएगी जितनी अभी हमारी कॉस्ट आ रही है सामान की, और कहीं ना कहीं हमारा सामान जल्दी भी आ जाएगा, अभी बहुत टाइम लगता है, एक ही भी फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें श्रीलंका को दोस्तों क्या ऐसी परेशानी थी जो उनको लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए? दोस्तों श्रीलंका को दरअसल ये लग रहा था कि श्रीलंका में कुछ रिफ्यूजीज बढ़ जाएंगे, मतलब जो जैसे इंडिया में तमिल साइड के लोग हैं ये यहाँ से निकलेंगे और श्रीलंका में जाके बसना स्टार्ट कर देंगे, तो एक ये प्रॉब्लम होगी।
तो इससे वो बचना चाहते हैं, लेकिन इससे अभी उनको क्या इसमें कुछ राहत मिल जाएगी? अब ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या इसको वो कैसे मतलब काउंटर करेंगे, कैसे रोकेंगे उनको, क्योंकि ये लगता है कि ये इन्वेजन है और श्रीलंका में इन्वेजन होगी। तो एक तो ये दिक्कत है, दूसरा एक पर्यावरणविद की जो पहले प्रॉब्लम थी वो तो शायद अभी भी बनी रहेगी, उसको कैसे मिट आउट करेंगे ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों जो भी हो, अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है, ये सब कुछ अच्छा रहता है, तो यकीन मानिए कि ये दोनों ही देशों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ होगी। इससे भारत और श्रीलंका के बीच में जो रिश्ते हैं और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और चाइना दोबारा एंट्री नहीं मार पाएगा श्रीलंका में। ये समझ लीजिए कि चाइना पिक्चर से बिल्कुल ही आउट हो जाएगा। दोस्तों अब इस पर कोई और डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।